concentration terms. One more term is here that is going to be strength. बेटा जब हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, तो स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. आप कह सकते हो स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. This is called strength. It means strength is equal to weight of solute upon volume of solution. It is in milliliters. अगर आपने milliliters में लिया, into 1000. The weight of solute upon volume of solution into 1000 is called strength. Units of strength will be gram per liter and molarity into molecular mass is equal to strength. यानी अगर आपने molecular mass और molarity दो चीजें आपको पता हो तो आप strength निकाल सकते हो. देख सकते हो कैसे. बेटा मोलारिटी आपके पास थी, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर हम इस मॉलिक्यूलर मास को इधर ले जाते तो क्या बन जाता, मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास एंड वी आर लेफ्ट विद व्हाट, स्ट्रेंथ ही बचा था. ठीक है, तो मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू स्ट्रेंथ. आप स्ट्रेंथ का समझ आ गया कंसेप्ट क्या था. तो आपको बेटा प्रैक्टिकल्स में जब आप लैब में प्रैक्टिकल करने जाओगे तो इन योर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री यू आर गिवन क्वेश्चंस लाइक कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. तो आपको वहां स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है. तो पहले आप निकालोगे मोलारिटी और फिर जब मोलारिटी निकल जाएगा तो लास्ट स्टेप होगा मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, इट इज स्ट्रेंथ. ठीक है, नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. अगली टर्म है मेरे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज it is going to be amount of solute present in 100 milliliter of solution. The amount of solute present in 100 milliliter of solution is called mass by volume percentage. With a mass by volume percentage, it is equal to weight of solute upon volume of solution into 100. अब हम ये कह सकते हैं इफ वी आर हैविंग दिस कंसेप्ट ऑफ. हां जी बेटे, मिलीलीटर्स में मोलारिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास. तो मोलारिटी के साथ उसका रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, molarity is mass by volume percentage into 10 upon molecular mass. That is called mass by volume percentage.
समझ आया? नेक्स्ट टर्म वी हैव इज फॉर्मेलिटी. अगली टर्म है हमारे पास फॉर्मेलिटी. When we talk about formality, formality is symbol F. It is used for ionic solids. ये term हम सिर्फ ionic solids के लिए use कर सकते थे. और ionic solids में molecular mass of ionic solids like अगर आप NaCl लिखते हो तो आप लिखोगे 58.5.